Morning friends, today we are going to study marketing mix. Marketing mix refers to set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objective in a target market. मार्केटिंग मिक्स में वे सभी टूल्स इंक्लूड होते हैं जिसकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अपना मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव करती है. देयर आर वेरियस कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स अफेक्टिंग मार्केटिंग डिसीजंस. जो फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल होते हैं जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वह कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं. एक ओनर खुद अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर सकता है, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर सकता है, हाउ ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट एंड हाउ ही विल प्रमोट द प्रोडक्ट. सो ये सारे डिसीजंस एक ओनर खुद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले सकता है. सो ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं. लेकिन कुछ नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़े, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल फैक्टर्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते. सो लेट्स स्टार्ट विद एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. यह एलिमेंट्स हमें मैकार्थी ने दिए हैं. These are also called four P's of marketing. Product, price, place, promotion. Four P's of marketing. So we discuss product first. Product is a bundle of utilities. Product में वह सभी goods and services include होते हैं जो किसी person की need को satisfy करते हैं. Product mix includes all the decisions related to product. जैसे कि प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें प्रोडक्ट के फीचर्स, रेंज, ग्रेड, बेनिफिट्स भी इंक्लूड होंगे. न्यू प्रोडक्ट, मार्केट को हमेशा हमें न्यू प्रोडक्ट सप्लाई करना चाहिए. सो द इन्वेंशन एंड इनोवेशन, द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स पैकेजिंग. पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इंक्लूड्स primary packaging, secondary packaging and tertiary packaging. Then labeling, packaging के ऊपर जो भी information printed होती है वह होती है labeling, जो product की पूरी information supply करती है. Then branding, we give a separate name, distinct name to our product or the service, that is branding. Branding distinguishes our product from the competitor's product. So all these things we are going to study. Now the second P is price. All the decisions related to price are called price mix. It includes price level. आपके product या services के price medium है, high level price है या low level price है. Margin is the percentage of profit of a manufacturer or the middleman. प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मीन्स आपका कॉस्ट प्लस प्राइस पॉलिसी है या एवरेज प्राइस है, कॉम्पिटिटर्स प्राइस को आप कंसिडर करते हैं या फिर आपकी स्ट्रैटेजी पेनिट्रेट करने की है मार्केट को. सो यू आर फॉलोइंग पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. प्राइस चेंज, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कब चेंज करते हैं, क्यों चेंज करते हैं. So all these decisions are included in price. The third P is place. Place or the physical distribution of goods. It includes channel strategy. Channels of distribution means the intermediaries who are going to sell your product. आप चाहे तो अपना product directly customer को भी sell कर सकते हैं. That is direct channel. अदरवाइज यू कैन यूज इनडायरेक्ट चैनल जिसमें इंटरमीडियरीज जैसे एजेंट, होलसेलर, रिटेलर इंक्लूड होते हैं. सो ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू चैनल स्ट्रैटेजी, चैनल सिलेक्शन, चैनल कॉन्फ्लिक्ट, चैनल कोऑपरेशन आर इंक्लूडेड इन इट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपोनेंट्स.
अपने गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग। आप कितने समय में अपना ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, कस्टमर को सप्लाई करते हैं। देन यू नीड टर्शियरी सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग विच क्रिएट्स टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। देन इन्वेंटरी कंट्रोल, आपको हमेशा कुछ इन्वेंटरी मेंटेन करनी होगी, स्टॉक मेंटेन करना होगा ताकि रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स पॉसिबल हो। नाउ द फोर्थ पी इज प्रमोशन। प्रमोशन मेक्स इंक्लूड्स ऑल द डिसीजंस और टूल्स रिलेटेड टू प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट। प्रमोशन में आप कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, कस्टमर को कन्विंस करते हैं कि वह आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करें। सो फॉर दिस प्रमोशन यू यूजेस द टूल्स लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन। सो ऑल दिस डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। I hope you have understood four P's of marketing mix. We are going to learn all these four P's in detail.